पीएम केस को लेकर किस तरह के नतीजे पर अभी तक पहुंचा है? नहीं, कल जो है सभी कांग्रेस के विधायक जो है हुए हैं और हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं बघेल जी और शुक्ला जी, इनके हमने वन लाइन रेजोल्यूशन पास किया है। हाई कमांड जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा और मीटिंग के बाद जो है वो इंडिविजुअली जो है हर विधायक से हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो मिले हैं और इंडिविजुअल ऑब्जर्वर्स ने जो है इंडिविजुअल MLA की राय जानने की कोशिश की है। अब हाई कमांड पे फैसला छोड़ा है और जो भी हाई कमांड फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। तो आएगा फैसला अभी तो हाई कमांड पर डिपेंड करेगा कि भाई कब होगा वो हाई कमांड के डिसाइड, मगर मुझे लगता है वेरी शॉर्टली हो सकता है, मे बी कल या परसों को जो है कल या परसों हो जाएगा, क्योंकि अब शुक्ला जी भी और बघेल जी भी वो दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, दे आर हेयर, आज जो है वो यहीं पे है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कल तक तो मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा। ये बीच में चर्चा इस बात की जो निर्दलीय विधायक है वो भी आप लोगों को समर्थन कर रहे हैं, बीच में चर्चा है? नहीं, वैसे तो निर्दलीय विधायक की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास कंप्लीट मेजोरिटी है, 40 लोगों की मेजोरिटी है हमारे पास, मगर अगर तीनों विधायक जो हैं वो हमको समर्थन देंगे तो हमको और भी इजी हो जाएगा। वैसे तो हमें इंडिपेंडेंट MLA की जरूरत नहीं है और हमारे पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है। सर, कल से 1-to-1 बात हुई है, आज फिर से विधायकों को बुलाया गया, क्या बात कहीं सहमति नहीं बन? नहीं नहीं, आज जो है विधायकों को नहीं बुलाया गया, विधायक लोग सभी लोग खुद ही आए हैं मिलने, क्योंकि वैसे इनका प्रोग्राम जाने का था, आज 12 बजे इनका जाने का था, तो इसलिए कटसी के लिए जो है सभी विधायक आए हैं, बैठ करके जर्नल चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चल बातें कर रहे हैं। ये भी चर्चा चल रही है तो कुछ ठीक नहीं है इसीलिए? नहीं नहीं, देखो एक बात कहूँ मैं मीडिया को, मैं आपको कांग्रेस की तरफ से कहना चाहूँगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। कांग्रेस के 40 के 40 जो विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस हाई कमांड को स्वीकृत दी है, जो भी कांग्रेस हाई कमांड का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा और हमारी गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन होगी वो बहुत स्मूथ होगी, बहुत कंफर्टेबल होगी और किसी की तरफ से भी कोई विरोध या कोई आपत्ति नहीं है। हम 40 के 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो है वो एक होकर के जो है हिमाचल में सरकार बनाएंगे और जो हमने वायदे किए हिमाचल की जनता से और जो जनादेश और हमको जो मैंडेट हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है हम उसको पूरा करेंगे। हम एक है, हम एक रहेंगे और पूरे 5 साल तक जो है जनता की आशाओं के मुताबिक जो है हम चलेंगे।